Welcome back to Academy of Biology and it's me Sachin Antil. So guys, today we are going to start with a very important topic जो कि आपका है portal system. तो शुरू करते हैं आपके portal system से. Portal system. तो देखो portal system में मेनली हम दो portal system को study करेंगे. डायरेक्टली उन पोर्टल सिस्टम पे ना जाते हो, मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है. तो उसके लिए एक बार आप देखो, जो आपका नॉर्मल सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है. यह है आपका हार्ट और मान लीजिए यह है आपका कोई बॉडी ऑर्गन. तो नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट से कोई आर्टरी, क्या आर्टरी आपके हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी आपके हार्ट से टू योर बॉडी ऑर्गन. देखो नॉर्मल कंडीशन में आपके हार्ट से कोई आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी आपके ऑर्गन की तरफ. फिर आपके ऑर्गन से कोई वेन कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट की तरफ. यह है कोई वेन जो कैरी करेगी आपका वीनस ब्लड, या जिसको हम बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स योर हार्ट. और फिर हार्ट में दोबारा से उसका ऑक्सीजनेशन होगा एंड देन अगेन रीसप्लाई टुवर्ड्स योर ऑक्सीजन. तो ये तो हो गया आपका केस नॉर्मल सर्कुलेशन का, या फिर जिसको हम बोलते हैं जनरल सर्कुलेशन. नॉर्मल सर्कुलेशन. बट जो आपका पोर्टल सिस्टम होता है, जो आपके पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं, उनमें क्या होता है, मान लीजिए ये आपका हार्ट है एंड ये आपके हार्ट से कोई आर्टरी है. दिस इज एन आर्टरी दैट इज कैरिंग प्योर और वी कैन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स अ बॉडी ऑर्गन. ये किसी बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है. तो नॉर्मल सिनेरियो में तो इससे कोई वेन दोबारा से आपके हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी. बट आपके पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि जो आपका ये ऑर्गन है, यहां से दोबारा कोई वेन जो इस ऑर्गन का वीनस ब्लड है उसको हार्ट के पास ना लेके जाते हुए किसी सेकंड ऑर्गन के पास लेके जाती है. सेकंड ऑर्गन भी, और वी कैन से द सेकंड बॉडी पार्ट फर्स्ट ऑर्गन. और फिर आपके इस सेकंड ऑर्गन से जो आपका वीनस ब्लड है वो आपके हार्ट के पास जाता है. दिस इज वीनस ब्लड थ्रू अ वेन. ये आपके हार्ट के पास जाएगा. तो ये आपका हो गया सिनेरियो फॉर द पोर्टल सर्कुलेशन. पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है. तो पोर्टल सर्कुलेशन को हम सिंपली क्या डिफाइन कर सकते हैं, अ सर्कुलेशन इन विच द वीनस ब्लड ऑफ अ ऑर्गन, the venous blood of a organ doesn't go back to your heart, but before heart it will reach to another body organ from where it will move towards heart. पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि एक ऑर्गन का वीनस ब्लड डायरेक्टली हार्ट के पास ना जाके उससे पहले किसी सेकंड ऑर्गन के पास जाएगा और फिर उस सेकंड ऑर्गन से आपके हार्ट के पास जाएगा. यह होता है आपका पोर्टल सिस्टम में सिनेरियो. देन फिर इसी में आती है आपकी हिपेटिक, सॉरी, एक पोर्टल वेन. क्या होती है पोर्टल वेन?
देखो पोर्टल वेन सिंपली क्या होती है, अ वेन दैट कैरी वीनस ब्लड ऑफ अ कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क टू अनदर कैपिलरी नेटवर्क टू अनदर कैपिलरी। तो जो वेन आपके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास वीनस ब्लड को कैरी करती है उसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन। तो यही पे जो आपका पोर्टल सिस्टम, इस पे हमारे पास दो टाइप के पोर्टल सिस्टम है। फर्स्ट इज हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, और जो दूसरा इसी में हम पोर्टल सिस्टम स्टडी करेंगे वो है आपका हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो वो आपका है हाइपोफाइजर पोर्टल सिस्टम। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मूव करते हैं आपके हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की तरफ। तो जो आपका फर्स्ट पोर्टल सिस्टम है वो है आपका हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो देखो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, देखो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में मेनली आपके जो जीआई ट्रैक्ट के जो ऑर्गन से जो पार्ट है उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, देन आपका स्टमक, एंड फिर उसके बाद आपकी आती है जो स्प्लीन। तो देखो इस केस में क्या होता है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज और स्टमक है, जो इनसे आपका वीनस ब्लड ड्रॉ करती है आपकी सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन। इन चारों से आपका जो वीनस ब्लड होगा वो आपकी सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन ड्रॉ करेगी। देन फिर जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, स्टमक है, और जो आपका स्प्लीन है, अगेन इनसे जो आपका वीनस ब्लड ड्रॉ होगा वो आपकी वेन करेगी स्प्लीनिक वेन, स्प्लीनिक वेन। तो ये दो वेन आपके इन बॉडी पार्ट से वीनस ब्लड को ड्रॉ करेंगी, यानी कि वहां से वीनस ब्लड को कैरी करेंगी। फिर ये दोनों वेन मिलके बना देंगी आपकी हिपेटिक, हिपेटिक पोर्टल वेन। तो देखो जो आपकी हिपेटिक पोर्टल वेन होगी उसमें कैसा ब्लड प्रेजेंट होगा, उसमें जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जो आपकी हिपेटिक पोर्टल वेन है वो आपके जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के या फिर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट्स है उनसे ब्लड ड्रॉ कर रही है। तो ये बात ऑब्वियस है कि जो उनका ब्लड होगा, उनमें जो ब्लड प्रेजेंट होगा वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होगा, ठीक है। देन इसके बाद जो आपकी हिपेटिक पोर्टल वेन होगी दिस विल ट्रांसपोर्ट द ब्लड टुवर्ड्स योर लीवर, ये इस तरह से आपके लीवर के पास आपके ब्लड को कैरी कर देगी, ये है आपका लीवर। तो आपकी हिपेटिक पोर्टल वेन ने आपके जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड था या फिर जो वीनस ब्लड था आपका जीआई ट्रैक्ट के ऑर्गन्स का, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया आपकी लीवर के पास। और ये ब्लड कैसा है, दिस इज वीनस ब्लड लीवर के पास। फिर लीवर में जाने के बाद देखो जो आपका ये वीनस ब्लड है इसमें क्या क्या चीजें होंगी,
इसमें सबसे पहले एक तो होगा जो आपका ब्लड ग्लूकोज होगा, जो आपका ब्लड ग्लूकोज होगा इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, वो आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर स्टोरेज, फॉर स्टोरेज। देन उसके बाद जो सेकंड काम होगा आपके वीनस ब्लड के साथ, जो आपके वीनस ब्लड में जो आपके हार्मफुल सब्सटेंस होंगे उनको रिमूव किया जाएगा, रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। सच एज अल्कोहल, एल्कोहल। और इसके बाद जो आपके ब्लड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उनका किया जाएगा फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस यानी कि उनको किल किया जाएगा। तो ये तीन काम आपके वीनस ब्लड के साथ होंगे आपके लीवर में। तो देखो अगर मेनली हम लीवर की बात करें तो आपकी लीवर में क्या फंक्शन हो रहा है आपके ब्लड के साथ? द लीवर इज मेनली परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, ये आपके ब्लड को डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है, डिटॉक्सिफाई कर रही है। यहाँ पे आपका ब्लड मेनली डिटॉक्सिफाई हो रहा है। तो हिपेटिक पोर्टल में आपकी कैरी कर रही है वीनस ब्लड। तो देखो आपकी जो लीवर है वो एक ऑर्गन है, तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी तो सप्लाई चाहिए ना। एट द सेम टाइम द लीवर इज गेटिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी से आपकी लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सप्लाई हो रहा है। दिस इज हिपेटिक आर्टरी कैरिंग प्योर या फिर जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लीवर में जाके क्या होगा इन दोनों का, इन दोनों ब्लड की क्या होगी यहां पे लीवर में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग के बाद क्या होगा आपकी लीवर से जो आपकी हिपेटिक वेन होगी, हिपेटिक वेन होगी वो इस इंटरमिक्स ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी टू योर इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। एंड इंफीरियर वेना कावा के बाद आपका ब्लड अल्टीमेटली ड्रेन किया जाएगा आपके हार्ट के राइट एट्रियम में। यह है आपका हार्ट और जो आपका ब्लड होगा वो आपका राइट एट्रियम में ड्रेन कर दिया जाएगा। हार्ट में दोबारा से इस ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, जिसके बाद दोबारा से आपका बॉडी ऑर्गन्स के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। देखो ये आपका हो गया पोर्टल सिस्टम। अगर बात की जाए नॉर्मल कंडीशंस की, जो आपका ऑर्गन्स होते हैं उनका जो वीनस ब्लड होता है उसको डायरेक्टली आपके हार्ट के पास पहुंचाया जाता है, बट पोर्टल सिस्टम में डायरेक्ट हार्ट के पास ना पहुंचा के किसी दूसरे ऑर्गन के पास पहुंचाते हैं और फिर उस दूसरे ऑर्गन से आपका ब्लड आपके हार्ट के पास ट्रांसपोर्ट होता है। ये होता है आपके पोर्टल सिस्टम में फंक्शनिंग। तो इसी के साथ हमारा जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम आपका हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो जो आपका सेकंड पोर्टल सिस्टम है वो है आपका हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। देखो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम में आपकी कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? दिस इज योर सेला टर्सिका, यहां पे प्रेजेंट है आपकी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और ये जो आपका ऑर्गन है ये है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज योर एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को एक और नाम हम देते हैं वो है आपका
एडिनो हाइपोफाइसिस। तो आपका जो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम है उसमें आपके एडिनो हाइपोफाइसिस इन्वॉल्व। तो इतनी अरेंजमेंट आपको समझ आई। फिर ये है आपका हार्ट। तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो आपके हार्ट से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड जाएगा आपकी हाइपोथैलेमस के पास। फिर वो ब्लड हाइपोथैलेमस से वापस हार्ट में ना जाकर ट्रांसपोर्ट होगा आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ। एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ, और इसको अगर हम ब्लू कलर से दिखाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस से जो ब्लड आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा वो आपका होगा वीनस ब्लड। तो ये वीनस ब्लड, हाइपोथैलेमस का वीनस ब्लड आएगा आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से जाएगा आपके हार्ट के पास, और ये कैसा ब्लड है, वीनस ब्लड। तो ये आपका होता है हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। अब मैं आपको ये चीज समझाता हूं कि जो आपका हाइपोथैलेमस का इम्प्योर ब्लड था, वीनस ब्लड था, वो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास क्यों आया। इसने जो आपका बैक वाला रास्ता यानी कि डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से हार्ट के पास का जो रूट है उसको चूज क्यों नहीं किया। तो इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। देखो जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ये आपका एक हॉर्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। ठीक है, तो जो आपका ये TSH है ये आपका TSH एक्ट करता है आपकी थायराइड पे, ये एक्ट करेगा आपकी थायराइड पे, और फिर जो आपकी थायराइड होती है ये आपके दो हार्मोन सिक्रीट करती है T3 एंड T4। तो देखो जो ये आपके दो हार्मोन होते हैं T3 एंड T4, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिक रेगुलेशन, हेल्प्स इन मेटाबॉलिक रेगुलेशन। ये आपका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। If somehow the level of the T3 and the T4 is reduced in your blood, then the metabolism process will also get decreased or we can say reduced. तो आपका metabolism भी उससे काफी effect होगा। तो देखो, अगर किसी तरह से जो आपके T3 और T4 hormone है, उनका level decrease हो जाए blood में, तो उनको किस तरह से detect किया जाएगा? इनका detection होगा by chemoreceptors प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स। तो जो आपके ब्लड वेसल्स में कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वो आपके T3 और T4 हार्मोन के डिक्रीज लेवल को डिटेक्ट कर सकते। फिर उस डिटेक्शन के बाद क्या होगा, इनके पास एक फीडबैक भेजा जाएगा। फीडबैक इज सेंट टू हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। आपकी हाइपोथैलेमस और आपकी पिट्यूटरी के पास एक फीडबैक भेजा जाएगा, दोनों को एक साथ भेजा जाएगा साइमल्टेनियसली। तो देखो उस फीडबैक में क्या होगा, मान लीजिए जो आपका हॉर्मोन्स का लेवल वो डिक्रीज हो गया, तो इस डिक्रीज लेवल ने क्या किया, एक फीडबैक भेजा आपकी हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है, और साथ साथ आपकी पिट्यूटरी के पास। देखो पिट्यूटरी के पास इसने जो फीडबैक भेजा वो ये फीडबैक भेजा कि तू टीएसएच सिक्रीट कर, रिलीज कर, जो कि आपकी थायराइड पे एक्ट करेगा और फिर थायराइड रिलीज करेगी T3 और T4 के, सो दैट द लेवल ऑफ दीज हॉर्मोन्स कैन बी इंक्रीज्ड और कैन बी रेगुलेटेड इन योर ब्लड। तो ये तो आपका होगा आपकी पिट्यूटरी के पास जो फीडबैक मिलेगा। फिर जो आपकी हाइपोथैलेमस है इसके पास फीडबैक जाएगा कि तू रिलीज कर, क्या रिलीज कर तू,
TSHRH कि तू रिलीज कर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो वो हार्मोन रिलीज कर जो तेरी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देगा TSH सिक्रीट करने के लिए। तो ये जो TSHRH होगा दिस विल एक्ट ऑन योर एंटीरियर पिट्यूटरी, ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, फिर आपकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है दिस विल सिक्रीट TSH एंड अल्टीमेटली जो आपका TSH है दिस विल एक्ट अपॉन योर थायराइड और जो आपकी थायराइड होगी वो रिलीज कर देगी T3 एंड T4 और इस तरह से जो आपके ब्लड में T3 और T4 का लेवल हो मेंटेन हो जाता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार जो ये वीनस ब्लड था हाइपोथैलेमस का ये हार्ट के पास क्यों नहीं गया, फिर से एक क्वेश्चन आया। तो देखो इस क्वेश्चन का जवाब ये है, देखो अगर आपका वीनस ब्लड डायरेक्टली आपके हार्ट के पास चला जाता तो उसमें क्या होता, जो आपका TSHRH नाम का जो हार्मोन प्रेजेंट होता वो आपके हार्ट में चला जाता, तो हार्ट में जाने के बाद वो आपके जनरल सर्कुलेशन या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करता और वहां पे क्या चांसेस होते जो आपका ये हार्मोन है ये डाइल्यूट हो सकता था, क्या हो सकता था, डाइल्यूट हो सकता था ये, या फिर ये हार्मोन डिग्रेड हो सकता था। तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए डाइल्यूशन डिग्रेडेशन और टाइम को सेव करने के लिए यानी कि फास्ट प्रोसेस के लिए, फास्ट प्रोसेस के लिए इसी वजह इन तीन रीजंस की वजह से जो आपका हाइपोथैलेमस का जो वीनस ब्लड है हार्ट के पास ना जाकर इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है ताकि जो आपका एक्शन है हार्मोन का वो जल्दी हो सके या फिर जो आपका हार्मोन हो डाइल्यूट ना हो या डिग्रेड ना हो और ये प्रोसेस फास्ट हो सके। सो इसी वजह से ये पोर्टल सिस्टम आपका वर्क करता है और जो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ जो आपकी वेन आपके वीनस ब्लड कैरी करती है उसको हम बोलते हैं आपकी पोर्टल वेन। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स अबाउट द पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ा सा नाम सुन के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दिक्कत मान जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, एक बार आपको एक चीज समझ आ जाती है अच्छे से तो आप उसको कभी नहीं भूलते हो। तो मेरे को भी ये उम्मीद है आपसे कि आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।